नमस्ते नमस्ते दोस्तों। तो ये वीडियो हमारे नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है। हमने इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में नंबर्स के ओवरव्यू, डेफिनेशन ऑफ नंबर्स और टाइप्स ऑफ नंबर्स और साथ ही कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स, नंबर लाइन, स्क्वायर रूट को एक्सप्लेन किया। और इस वीडियो को देखने से पहले उन तीनों वीडियोस को जरूर से देखिएगा। और अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 में से कोई भी पार्ट इस चैप्टर का नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि उन तीनों पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर का फुल बेसिक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के पार्ट 4 में। तो चलिए चलते हैं अब इस चैप्टर के सबसे आखिर टॉपिक की ओर, जो कि है नंबर 6, सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन इरेशनल नंबर्स। मतलब कि हम इरेशनल नंबर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारा जो नंबर 1 है वो है कि अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर का नेगेटिव करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है नेगेटिव के बाद वो होता है एक इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए रूट 3 हमारा एक इरेशनल नंबर है और अगर हम इसका नेगेटिव लगा देते हैं, मतलब कि माइनस रूट 3 कर देते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है माइनस लगाने पर तो वो क्या आ रहा है, एक इरेशनल नंबर है, मतलब कि माइनस रूट 3 है। इस रिजल्ट को जो मैंने एक्सप्लेन किया इसका बस इतना ही मतलब है, आपको बुक में इसे प्रूफ करके दिखाया गया है, आप अपने आरडी शर्मा या फिर किसी रेफरेंस बुक से देख सकते हो। तो अब हमारा नंबर 2 कह रहा है कि अगर आप एक इरेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम करोगे, उसे जोड़ोगे, तब आपका जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 एक इरेशनल नंबर है और रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, अगर आप इनको जोड़ोगे तब आपका जो आंसर आएगा वो होगा 2+√3, जो कि एक इरेशनल नंबर है। और उसी तरह से आप अगर आप 1+√3 करते हो तब आपका जो आंसर आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर आएगा, जो कि होगा 1+√3। तो हमारे सेकेंड वाला जो रिजल्ट था उसका डेफिनेशन भी बस इतना ही है और उसका मतलब भी बस इतना ही है। तो अब चलते हैं अपने नंबर 3 रिजल्ट की ओर, जो कि कहता है कि अगर आप किसी रैशनल नंबर और किसी इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो उसका जो आपका रिजल्ट आएगा वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 2 एक इरेशनल नंबर है और रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तब हमारा आंसर रिजल्ट आएगा 2√2, जो कि एक इरेशनल नंबर है। वहीं आप किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से करोगे प्रोडक्ट तब मल्टीप्लाई, तब आपका आंसर हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, इसका कहना ये है। तो हमारा 3rd नंबर भी बस इतना ही कह रहा है। तो चलिए आप चलते हैं अपने 4th रिजल्ट में, जो कि है अगर हम एक इरेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो या तो रैशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर के लिए मान लीजिए हमारे पास एक इरेशनल नंबर है रूट 3 और हमारे पास एक दूसरा इरेशनल नंबर है -√3। अब जब हम इन दोनों का सम करेंगे, प्लस करेंगे, तब हमारा जो रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो होगा 0, जो कि एक इरेशनल नंबर है। और अब इरेशनल नंबर के लिए मान लीजिए हमारे पास है इरेशनल नंबर रूट 2 और इरेशनल नंबर रूट 3, तो इनका जब सम करेंगे तब हमारा जो रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो होगा इरेशनल नंबर, जो कि √2+√3। तो हमारा 4th नंबर भी बस इतना ही कह रहा था। अब चलते हैं अपने 5th नंबर में, जो कि कह रहा है कि अगर हम किसी इरेशनल नंबर और एक दूसरे इरेशनल नंबर से माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो या तो रैशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर के लिए मान लीजिए ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर रूट 3 और एक इरेशनल नंबर है रूट 3। अब इन दोनों को जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा 0, जो कि एक रैशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर के लिए एग्जांपल होगा मान लीजिए इरेशनल नंबर है हमारे पास रूट 3 और इरेशनल नंबर है हमारे पास रूट 2। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तब हमारा जो रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो होगा √3-√2, जो कि एक इरेशनल नंबर है। अब हमारा नंबर 5th रिजल्ट, जो कि कह रहा है कि जो प्रोडक्ट होगा इरेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का, वो या तो रैशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर के लिए हमारा एक इरेशनल नंबर है रूट 2 और दूसरा इरेशनल नंबर है रूट 2। अगर हम इसे प्रोडक्ट करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होगा 2। और एग्जांपल इरेशनल नंबर के लिए मान लीजिए इरेशनल नंबर है हमारे पास रूट 2 और दूसरा इरेशनल नंबर है रूट 3, और जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होगा रूट 6, जो कि इरेशनल नंबर है। अब
हमारा सबसे आखिरी रिजल्ट जो कि है दो इरेशनल नंबर्स का जो कोसेंट होगा डिवाइड करने पे वो या तो रैशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर के लिए मान लीजिए हमारे पास दो इरेशनल नंबर है √3 और √3। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तब हमारा जो नंबर आएगा रिजल्ट आएगा वो होगा 1 जो कि एक रैशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर्स का जो हमारा एग्जांपल होगा वो होगा मान लीजिए हमारे पास दो इरेशनल नंबर है √3 और √4। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होगा √4/√3, मतलब कि एक इरेशनल नंबर है।